नमस्कार फ्रेंड, मैं महेंद्र आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग महेंद्र में। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे वेब डॉक्यूमेंट मतलब वेब पेज बनाने के लिए इसे विकसित किया गया है। इसका विकास 90 के दशक में हुआ था। यह एक वेब पेज का आधार है जिसे हम आम भाषा में बोले तो एक ढांचा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे शरीर में हड्डी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो उसी तरह वेबसाइट में हड्डी का काम करता है। HTML में बहुत सारे टैग होते हैं जिसके मदद से हम वेब पेज तैयार करते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए, आइए दोस्तों हम जानते हैं कि इसे असल ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही आपसे बोला था कि हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो मोबाइल में करेंगे। तो फ्रेंड, आपको पहले प्ले स्टोर में जाना है और आपको सर्च करना है ए कोड एडिटर, और अब इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मेरा ये ऐप पहले इंस्टॉल है तो मैं तो नहीं करूँगा। आप इसे सक्सेसफुली इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर लें। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम HTML ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं और मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना के दूं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। तो हम पहले एक फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे lesson1.html और इसे सेव करेंगे दोस्तों। अब इसे हम अपने फोल्डर में सेव करते हैं दोस्तों, जो मैं पहले से बना लिया हूँ। तो सेव एस पे क्लिक करेंगे और अपने फ़ोन के मेमोरी में जाएंगे और यहाँ देखिए दोस्तों, HTML ट्यूटोरियल हिंदी, इसमें हम इसे सेव कर देंगे। तो ये सेव हो गया दोस्तों। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि वेब पेज क्या है। वेब पेज इंटरनेट पर उपलब्ध एक HTML डॉक्यूमेंट होता है जिसे वेब ब्राउजर द्वारा पढ़ा जाता है। प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट वेब पता होता है जिसके जरिए से कोड कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। वेब पेज में साधारण टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, हाइपरलिंक तथा अन्य सामग्री समाहित होती है। अब आप सोचते होंगे कि ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो तो हम समझ आया, लेकिन ये हाइपरलिंक क्या होता है? तो दोस्तों, हाइपरलिंक ये एक दूसरे पेज को लिंक कराने के काम आता है। आप नहीं समझ समझे तो जैसे ये आप अगर नहीं समझे तो जैसे कि www.project2master.com हमने जैसे खोला। अब हम इस वेबसाइट पे आ चुके हैं दोस्तों। इस वेबसाइट पे हम इस डाउनलोड बटन में जैसे क्लिक करेंगे वो हमें किसी दूसरे पेज में भेज देगा और हम वहाँ से अपना रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो यही है हाइपरलिंक। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। HTML अब हमारे सामने नए वर्जन में आ चुका है दोस्तों। HTML इम्प्रूव होकर अब HTML5 आ गया है, जो हम इस प्रकार लिखते हैं।
डॉक्टेप HTML। और इसे हम क्लोज करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम HTML लिखेंगे। और देखिए दोस्तों, इस ऐप का यही फीचर है दोस्तों, अपने आप क्लोजिंग टैग आ जाता है। अब HTML के बाद हम हेड टैग लिखेंगे। दोस्तों आपको कुछ नहीं पता है तो बस हमें फॉलो कीजिए। हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग, जो हमारे टाइटल बार में दिखता है दोस्तों। टाइटल में हम लिखेंगे लेसन लेसन वन ट्यूटोरियल HTML। अब हम हेड टैग के बाद दोस्तों, कुछ गलती हो गया, GAD हेड। हेड टैग के बाद दोस्तों आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में दोस्तों आप जो भी कुछ लिखेंगे या व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं, वो आपको बॉडी टैग के अंदर ही लिखना पड़ेगा। दोस्तों HTML में एक हेडिंग टैग आता है, जैसे H1, तो हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो इसे दोस्तों सेव करते हैं। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और अब इसे अपने वेब ब्राउज़र में शो करवाएंगे दोस्तों। दोस्तों थोड़ा स्लो काम कर रहा है मेरा मोबाइल। देखिए दोस्तों, ये प्रिंट हो गया है दोस्तों। तो H1 टैग का बहुत से आते हैं दोस्तों, जैसे कि देखिए H2, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। हाय फ्रेंड, इसमें लिख देते हैं। ये क्या हो रहा है दोस्तों? इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी और यहाँ लिख देते हैं H4। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा प्रिंट हो चुका है। HTML में और एक टैग आता है दोस्तों, जिसे हम पैराग्राफ बोलते हैं। जैसे देखिए पी टैग के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, आई विश यू टू
तो इसे सेव करते हैं दोस्तों और इसे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये प्रिंट हो चुका है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ आया होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका सॉल्व ज़रूर करेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।